औरंगाबाद में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बीती रात उपद्रवियों ने 50-60 दुकानों में आग लगा दी, जिसमें एक दिव्यांग की मौत हो गई। खबरदार ने इस बारे में औरंगाबाद में अपने संवाददाता अशफाक शेख से बातचीत की और जानकारी ली। अशफाक शेख जी, हाँ बोलिए मैं जी। कैसे हालात है वहाँ अभी औरंगाबाद के? मैं जी, अभी जहाँ तक औरंगाबाद का सवाल है, एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है और यहाँ पर उस समय इसको कलंक लग गया है, सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया एक छोटी सी घटना ने, जिसके जो गांधीनगर से शुरू होकर कुछ कूलर्स के और छोटे व्यापारियों के बीच थी, कुछ फल फ्रूट के व्यापारी थे, तो उनको लेकर यह मामला था, लेकिन इसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। रात भर का जहां तक अपडेट है हमारे पास, उसमें लगभग 100 दुकानें कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने जला दिए, ये छोटे मोटे व्यापारी थे उनकी दुकानें जला दी। अब तक हमारे पास जो पुलिस ने बयान दिया है कि उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 65 वर्षीय एक अपाइज है और 17 साल जवान लड़का है। जी मैं जी। और पुलिस वाले की भी कुछ मौत की खबर है क्या? एक आध जी नहीं, मैं जी अभी ये कोई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 2-3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, 2-3 लोग जख्मी हुए अब तक, मतलब 35 लोग जख्मी हुए, लेकिन पुलिस वालों का जहाँ तक सवाल है 2-3 पुलिस वाले जख्मी होने की खबर अब तक सामने आई। इस बीच पुलिस ने भी अपील की है कि वो शांतता रखे, किसी भी अफवाहों का बात न गर्म करे, और साथ ही साथ ही जो नेट सर्विस है शहर औरंगाबाद की, इसको सुबह से बंद कर दिया गया है हालात को देखते हुए, बावजूद इसके अभी जो तनावपूर्ण हालात है, और अभी जो है पुलिस पूरे शहर पर कंट्रोल किए हुए है। जी, औरंगाबाद के सभी शहरवासियों को सीपी के नाते ये मैं अपील करता हूँ कि सब जगह शांति बनाए रखे, कोई भी कायदा हाथ में ना ले, जो भी लोग पथराव कर रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं उनको कोई दूसरी पार्टी रिस्पॉन्ड ना करे, पुलिस अपनी लीगल कार्रवाई करेगी, 144 की धारा लागू है, तो कोई भी जमाव में रास्ते पर सड़क पर ना निकले। अगर पुलिस कोई भी ऐसे लोग नज़र आते हैं तो उनके ऊपर लीगल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो और क्या कदम उठा रही है? 144 या कर्फ्यू लागू कर दिया गया इस तरह? 144 सुबह से लगा दिया गया है, पुलिस ने हालात को देखते हुए 144 लगा दिया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस ने जो है तो सीआरपीएफ जवानों को बुलाया गया है, उनका भी जो है तो यहाँ पर चौरस्ते जो है ये बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, पॉइंट लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के बाद दंगा विरोधी दल की जो गाड़ियां हैं पुलिस है उनको भी तैनात किया गया है, तो कुल मिलाकर अभी हालात शांत है, लेकिन फिर भी जो है तो पुलिस हालात को मद्देनजर तो कड़ी नजर रखे हुई है। जी मैं जी। कौन सा एरिया ज्यादा इफेक्टेड हुआ है? ज्यादा इफेक्टेड ये एरिया का जहाँ तक सवाल है, रात में जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि गांधीनगर और जो मोती कारंजा का इलाका है वहां से शुरू हुआ था, सागर में छोटा व्यापारी इलाका है, वहां पर जो है तो पूरा का पूरा जो है तो दुकानों में आग लगा दी गई थी, और उस ये ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है ये शहर का, वहां पर ये सबसे ज्यादा मतलब मैंने जो है तो इफेक्ट हुआ है। जी, तो बाजारों का क्या हाल है शहर में, लोग निकल रहे हैं? अभी जहाँ तक ये जो ओल्ड सिटी है वहाँ पर दुकानें बंद है, छुटपुट घटना सुबह कुछ होती है, इलाके में पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए भेजना पड़ा था, लेकिन जहाँ तक दूसरा नए शहर का सवाल है वहाँ पर बाजार था, मतलब बाजार चालू है, दुकानें खुली है और कोई दिक्कत नहीं। जी शुक्रिया, खबरदार।